बिलासपुर में केंद्र सरकार पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जमकर हमला बोलते हुए कहा कि केंद्र के पास देने के लिए पैसा नहीं है। चुनावी वर्ष में उम्मीद थी कि किसानों के लिए बेहतर होगा, लेकिन प्रति क्विंटल 133 रुपए की बढ़ोतरी की है, जो किसानों के साथ नाइंसाफी है। यह समर्थन मूल्य बहुत कम है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी पार्टी छोड़कर नहीं जाते तो कांग्रेस की सरकार नहीं बनती। कांग्रेस के संभागीय सम्मेलन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि संगठन को मजबूत कर शासन की योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। प्रदेश प्रभारी शैलजा ने स्पष्ट कहा है कि सभी कार्यकर्ता संगठित होकर लड़ाई लड़ेंगे तो हम संभाग के सभी 24 सीटों पर जीत दर्ज करेंगे। इसके लिए कार्यकर्ताओं ने भी भरोसा दिलाया है। धान के MSP बढ़ाने पर उन्होंने कहा कि हम लोग उम्मीद कर रहे थे चुनावी वर्ष है, कुछ बेहतर होगा। पिछले चुनाव के समय 200 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की थी, लेकिन इस बार देश भर के किसान आंदोलनरत है, फिर भी 133 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है, जो आंदोलनरत किसानों के साथ अन्याय और नाइंसाफी है।